ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस पर प्रतिपक्ष दलों ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री की अवधारणा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही दी थी। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। श्री वैष्णव ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया है और यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे प्रशासन में सुधार होगा। गृह मंत्री